हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे कुमार साहब, ऐसे प्रिंटर मौत छेड़िए, कुछ खराब हो गया तो किसी आईटी वाले को बुला लीजिए, वो ठीक कर देगा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? कुमार साहब ने सिर उठाकर देखा, उनके ऑफिस कलीग मिस्टर बैनर्जी सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुमार साहब ने प्रिंटर की कार्टेज निकालते हुए कहा, बस पेपर जाम हुआ है यार, इतनी सी बात के लिए कौन 15-20 मिनट बर्बाद करे, खुद ही पेपर निकाल लेता हूँ, आखिर आईटी वाला भी आकर यही करेगा ना। कुमार साहब की बात सुनकर बैनर्जी का चेहरा मुरझा गया, वो दुखी स्वर में बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस कुमार साहब, ऑफिस में हर कोई कुछ ना कुछ नया सीखने में लगा है। मेरी टीम में श्रीनिवास आजकल फ्रेंच सीख रहा है, आप दिनों दिन आईटी एक्सपर्ट होता जा रहा है। अब मैं भी सोचता हूँ ऑफिस का काम भले भाड़ में जाए पर मैं भी कुछ नया सीख ही लेता हूँ। कुमार साहब को समझते देर नहीं लगी कि जरूर श्रीनिवास के फ्रेंच सीखने की बात ने बैनर्जी को बेचैन कर दिया है, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा कुमार साहब नहीं लगा पाए। और देखते ही देखते कुछ नया सीखने के इस किस्से ने कुमार साहब के ऑफिस में भूचाल ला दिया। ऑफिस में हुई उस उथल पुथल से कुमार साहब कैसे बच पाए, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुनते रहिए अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना कुमार साहब के कलीग मिस्टर बैनर्जी की टीम से श्रीनिवास ने फ्रेंच सीखना क्या शुरू किया, ऑफिस का माहौल बिगड़ने लगा। अब आगे, बस श्रीनिवास के बॉस मिस्टर बैनर्जी ने गॉसिप का कुछ ऐसा सिलसिला शुरू किया कि ऑफिस का फ्रेंडली एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होने लगा। लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जरूरी लर्निंग को लेकर डिबेट छिड़ने लगा। हमको पैराग्लाइडिंग सीखना है, अगले वीकेंड रिवर राफ्टिंग कैंप अटेंड करेगा हम। भाई हमारा ऑफिस इन सारी हॉबीज को सपोर्ट करता है तो भला हम पीछे क्यों रहेगा। सरकाजम से भरी ये सारी बातें मिस्टर बैनर्जी फैला रहे थे। कैफेटेरिया में लंच के वक्त मिस्टर बैनर्जी ने जब यही बातें दोहराई तो कुमार साहब से रहा नहीं गया। मिस्टर बैनर्जी, आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं, यहां बात वीकेंड में करने वाली चीजें सीखने की नहीं हो रही। मैं अब भी अपने स्टैंड पर कायम हूं, हमें डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली नई स्किल्स सीखनी चाहिए। मिस्टर बैनर्जी इस पर तपाक से बोले, हाँ भाई फ्रेंच का तो बहुत यूज है डे टू डे लाइफ में। दोनों अपनी बात पर ऐसे अड़ गए कि मानो ये जताना चाह रहे हो कि हम किसी से कम नहीं। तो क्या कुमार साहब ने इस डिबेट में मिस्टर बैनर्जी से हार मान ली, या इस वर्ड ऑफ वॉर को किसी सार्थक अंजाम तक पहुंचाने में उन्हें कामयाबी मिली, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुनते रहिए अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कुमार साहब के कलीग मिस्टर बैनर्जी की टीम से श्रीनिवास के फ्रेंच सीखना शुरू करते ही ऑफिस में कॉन्स्टेंट लर्निंग पर नया डिबेट स्टार्ट हो गया। अब आगे, अगले दिन मिस्टर बैनर्जी फिर कुमार साहब के कैबिन में आ धमके। उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, परेशान हाल देखकर कुमार साहब का पूछना भर ही था कि बेचारे बैनर्जी फिर फूट पड़े। सबको अपना अपना हॉबी का पड़ा है, काम की यहां किसी को फिक्र नहीं। श्रीनिवास को ही ले लो, वो काम नहीं लेता, पहले फ्री था तो बहुत हेल्प हो जाती थी, अब कहता है जो कुछ मेरे केआरए में आता है सिर्फ वही करूंगा, शाम को मेरी फ्रेंच क्लास है। कुमार साहब ये कोई तरीका है काम करने का? मैंने भी कंप्लेंट कर दी
लेकिन कुमार साहब मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैनेजमेंट उसी का फेवर कर रहा है। अब बताइए हम काम कैसे करेगा और कैसे करवाएगा। कुमार साहब मिस्टर बैनर्जी की बात ध्यान से सुनते रहे और फिर कुछ सोचकर कहा, क्या मिस्टर बैनर्जी आप भी ना छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। सीखने दीजिए, लाइफ में कोई कितना भी सीखना चाहे कम है। सीखना छोड़ा और लाइफ में ब्रेक लगा। मिस्टर बैनर्जी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, और फिर हर एक सीखी हुई चीज का लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिए, आप ले लीजिए श्रीनिवास को अपनी टीम में, खुद भी सीखिए और उसे भी सीखने दीजिए। बस हमको माफ कीजिए। मिस्टर बैनर्जी की तरफ से एक चैलेंज के तौर पर आई ये बात कुमार साहब को चौंका गई। कुमार साहब ने क्या मिस्टर बैनर्जी का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, या वो खुद अपनी बड़ी बड़ी बातों में उलझकर फंस गए, वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे यानी सौरभ, राज, जैन के साथ आप सुनते रहिए अर्थ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ, राज, जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, एक कलीग के टीममेट श्रीनिवास के फ्रेंच सीखने पर कुमार साहब ने उसका सपोर्ट क्या किया, मिस्टर बैनर्जी ने उन्हें श्रीनिवास से काम करवाने का चैलेंज दे दिया। अब आगे, कुमार साहब ने श्रीनिवास को अपनी टीम में लेने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। श्रीनिवास फ्रेंच सीख रहा था तो उसका इंटरेस्ट ध्यान में रखकर उन्होंने श्रीनिवास को एक इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट में लगा दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने श्रीनिवास का तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन देखा तो वो दंग रह गए। कई फ्रेंच फ्रेजेस यूज करके श्रीनिवास ने एक लाजवाब प्रेजेंटेशन बनाया था। इतना ही नहीं, जब फाइनल मीट में उन्होंने श्रीनिवास का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन दिया तो कॉन्फ्रेंस रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कोइंसिडेंटली उसी बोर्ड मीटिंग के दौरान कंपनी के पेरिस ऑफिस की ओपनिंग अनाउंस हुई। बस मौका देखकर कुमार साहब ने उस शानदार प्रेजेंटेशन का सारा क्रेडिट श्रीनिवास को दे दिया। नतीजा, श्रीनिवास को अप्रिसिएशन के तौर पर पेरिस ऑफिस में 6 महीने का डेप्यूटेशन मिल गया। उस मीटिंग में मिस्टर बैनर्जी चुपचाप ये तमाशा देखते रह गए। उनका मुंह उस वक्त देखने लायक था। उन्हें एहसास हो गया कि श्रीनिवास का फ्रेंच सीखने का विरोध करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। मीटिंग के बाद कुमार साहब ने मिस्टर बैनर्जी को छेड़ते हुए पूछा, मिस्टर बैनर्जी, श्रीनिवास ने फ्रेंच सीखकर अब तक 5 लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल कर ली है, आप ये बताइए क्या आपको अपनी मदर टंग पर कंप्लीट कमांड है। मिस्टर बैनर्जी झेप कर बोले, आमी भालो करे भूजते पारी किंतु बोलते पारी ना, मतलब कि समझ आती है पर अच्छी तरह बोलना नहीं आता। वो असल में हमारी फैमिली शुरू से बंगाल से बाहर रही है। कुमार साहब इस पर मुस्कुराते हुए बस यही कह पाए, सीख लीजिए मिस्टर बैनर्जी, क्या पता बांग्ला लाइफ के किसी मोड़ पर आपके बड़े काम आ जाए। दोस्तों, अक्सर यही होता है, कुमार साहब के कलीग मिस्टर बैनर्जी की तरह लोग जीवन में नई नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। ऐसा होने पर उनकी लाइफ में ना चाहते हुए भी एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। तो आप स्वयं सोचिए कि इस एहसास के लिए जगह ही कहां बचती है कि हमें तो भाई सब कुछ आता है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मैं सौरभ, राज, जैन आपको छोड़े जाता हूं आशा जगाते इस गाने के साथ। जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। आप बस सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।